सो आज जिस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज दिस हार्ड डिस्क ड्राइव कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में लास्ट लेक्चर से ना गल कर चुके हैं। व्हाट हार्ड डिस्क इज, इट इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और असी हर कंप्यूटर दे विच जेड़ा भी असी कंप्यूटर यूज करते हैं, ईच एंड एवरी कंप्यूटर इट हैज गॉट एन हार्ड डिस्क। और हर कंप्यूटर च एक हार्ड डिस्क ड्राइव हुंदी ही है। डिपेंड करता है उस ड्राइव का साइज कितना है, वो तुहाडी रिक्वायरमेंट ते है किस साइज की हार्ड डिस्क ड्राइव तुसी अपने कंप्यूटर दे विच लगवाना चाहते, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉर्मली असं जो भी कंप्यूटर च काम करते हैं, असी नॉर्मली विंडोज से काम करते हैं नॉर्मली काफी, या कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जो लाइनेक्स बेस्ड भी होंगे। थोड़ा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन्हें तुसी सॉफ्टवेयर्स ड्राइवर्स फाइल्स लोड करते हो, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव। मीन्स हार्ड डिस्क is the main part of the computer where all the data is being stored. Major point about hard disk hai that hard disk ki storage capacity achhi honi chahiye. While asi hard disk se context gal kariye, hard disk ki storage capacity achhi honi chahiye hai, and second point hona chahiye that thodi hard disk ki speed fast honi chahiye. अगर हार्ड डिस्क मान लो, मैं शायद जो तुमने फ्लॉपी ड्राइव की गल की थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 300 आरपीएम 300 रेवोल्यूशन पर मिनट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्पीड है। रेवोल्यूशन सर्कुलर है, ठीक है, ये रेवोल्यूशन होंगी है, और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की स्पीड 300 रेवोल्यूशन पर मिनट है, विच इज वेरी स्लो। कर मैं 95-96 की गल करा तो उस टाइम असं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नूं फास्ट कहिंदे सी, बट अज की डेट के अगर मैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की गल करा, अज की डेट के फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 300 आरपीएम की होगी, दैट इज वेरी स्लो। सो वट वी बेसिकली रिक्वायर्ड, सानू हार्ड डिस्क के विच एक तो स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड होंगी, एंड सैकेंड सानू जिहड़ी रिक्वायरमेंट होंगी है दैट तुहाडी जिहड़ी हार्ड डिस्क है उहदी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और अजकल जो हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो 7200 आरपीएम आमतौर पर मिनिमम एवरेज स्पीड 7200, फ्लॉपी ड्राइव 300 से 7200 रेवोल्यूशन पर मिनट आमतौर पर जिस हार्ड डिस्क में प्रेफर करते हैं उस हार्ड डिस्क की स्पीड आमतौर पर 7200 रेवोल्यूशन पर मिनट है। की है लास्ट टाइम यही गल की थी, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग, हार्ड डिस्क ड्राइव हैज गॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड विद प्लेट्स वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। इट इज ए डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। और द मेन पॉइंट अबाउट हार्ड डिस्क इज दैट स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क शुड बी सच दैट इन्नी स्पीड हार्ड डिस्क की होनी चाहिए है दैट इन्ना फास्ट डाटा प्रोसैस करे और उस डाटा असी डायरैक्टली सीपीयू नू उस स्पीड नाल ट्रांसफर कर सके। इट इज आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड डिस्क बिकॉज इनू असी फिक्स्ड डिस्क क्यों कहने हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर दे विच फिट की जाती है, कंप्यूटर च फिट की जाती है। सीडी रोम या सीडी नू असी फिक्स्ड डिस्क नहीं कहेंगे, पेन ड्राइव में असं फिक्स डिस्क नहीं कहेंगे, क्योंकि कंप्यूटर फिट नहीं परमानेंटली की जाती। दीज आर फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर। हुण मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, इंस्टेड ऑफ मैं एक्सप्लेन कर लो, मैं तुम्हें हार्ड डिस्क की कंस्ट्रक्शन दिखाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हार्ड डिस्क, लुक एट दिस डायग्राम। एक सेंटर दे विच रॉड है, इन्हें स्पिंडल कह रहे, स्पिंडल।
इस डायग्राम दे विच तीन उपर वन, अगर मैं मार्कआउट कर देना तुहानू, आई विल मार्क इट आउट, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। ए तीन प्लेट्स, प्लेट्स की गल कर रहा मैं, इन्होंने असं पैलेट्स कहने हैं और प्लेटर्स कहने हैं। तीन प्लेट्स लगी हुई हैं सर्कुलर, और सेंटर दे विच देखो दिस वन इज ए स्पिंडल, ए स्पिंडल रोटेट कर रहा है, तो यह तुहाडियां प्लेटर्स जड़े है, दिस इज बीइंग कॉल्ड ए स्पिंडल, दीज आर क्या नाम है, प्लेटर नंबर वन, दिस इज योर प्लेटर नंबर टू, दिस इज योर प्लेटर नंबर थ्री। तुहाडे को तीन प्लेटर्स अवेलेबल है, मैं इस डायग्राम के कंटेक्स्ट कह रहा। प्लेटर्स किन्ने होंगे डिपेंडिंग अपॉन किस साइज की हार्ड डिस्क तुसी परचेज कर दे। और अब प्लेटर्स एक स्पिंडल है, इनू रोटेट कर रहे, ठीक है। दिस वन इज योर रीड राइट हेड, दिस वन इज योर रीड राइट हेड, वन टू थ्री। और रीड राइट हेड इस प्लेटर दे टॉप ते भी रीड कर दे, इस दे बॉटम ते भी रीड कर दे, मैकेनिक दिस पॉइंट, इस गल ध्यान नोट करियो। ए प्लेटर सिर्फ टॉप साइड रीड नहीं हो रही, इस प्लेटर दी बॉटम साइड भी रीड हो रही है। और अगर इस डायग्राम नो ध्यान देखोगे तो आई विल से इधर विच तीन प्लेटर्स है, वन अबव एन अनदर, और वो प्लेटर्स नो स्पिंडल रोटेट कर रहे हैं, और तीन प्लेटर दे विच छे दी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि प्लेटर दे अपर साइड भी स्टोरेज होनी है, प्लेटर दे लोअर साइड भी स्टोरेज होनी है। और किस चीज से बने होते हैं, दे आर बीइंग मेड अप ऑफ नॉर्मली मैग्नेटिक मटीरियल की है, और उसके बाद डिटेल से डिस्कस कर, ठीक है। ए एक बेसिक डायग्राम है, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ए हार्ड डिस्क, जिदे विच हेड भी दिखाए गए हैं, प्लेटर भी दिखाए गए हैं, इधर विच ट्रैक की गल भी कर रहे हैं, सेक्टर की गल भी कर रहे हैं। तो ट्रैक एंड सेक्टर्स आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ, ट्रैक की है, सेक्टर की है, थोड़ा एक ब्रीफ से दस दें, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा। जो ट्रैक एंड सेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना, द सेम कॉन्सेप्ट हार्ड डिस्क भी वैलिड है, सेम कॉन्सेप्ट फ्लॉपी डिस्क भी वैलिड है। इस प्लेटर नु देखो, प्लेटर नंबर वन जो सब तो ऊपर टॉप थे, दो सर्कल्स लगे हुए हैं, दो है सर्कल्स, सर्कल नंबर वन, सर्कल नंबर टू, टोटल दो नहीं होंगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिए है, दिस इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन। इतने 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। इस प्लेटर दे विच एक, आई एम मार्किंग इट आउट, इस चीज को बच्चे बहुत ध्यान नाल देखना, जिस चीज को मैं मार्क करने लगा है, एक वन टू तीन, इतने तीन ट्रैक है, जिस तरह आप रनिंगली ट्रैक नहीं बने होते, रनिंग ट्रैक्स, रनिंग ट्रैक्स, एस केस दे विच एक दो और तीन ट्रैक, ठीक है। लेकिन हार्ड डिस्क दे विच एक चीज का ध्यान रखियो, सिर्फ तीन ट्रैक नहीं होंगे, दिस इज जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस, ट्रैक्स कई बार 20 होंगे या कई बार 40 ट्रैक्स होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विथ ए कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होंगे है, द सर्कल्स विद ए कॉमन सेंटर। और इतने कुछ प्लेटर्स के विच, प्लेटर्स के विच आमतौर पर 20, 30, 40 ट्रैक्स होंगे, ठीक। सेम इज विथ फ्लॉपी ड्राइव, ट्रैक्स, ट्रैक्स, ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, मैं थोड़े तो अगे जाके एक्सप्लेन करना, लुक एट दिस वन, ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ये देखो आ बनी हुई डायग्राम। इस जगह पे स्पिंडल है, अंदर स्पिंडल दे विच एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस 11 और 12, 12 के करीब ट्रैक बने हुए हैं।
एंड दीज ट्रैक्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सैक्टर्स। आ देखो सैक्टर की लाइन के नाल डिविजन की हुई। दीज आर द कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड दीज ट्रैक्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू सैक्टर्स। आ देखो ध्यान इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर है। ट्रैक है कंसेंट्रिक, अगे लाइनस के नाल ट्रैक नू असी सैक्टर्स के विच डिफाइन किया ट्रैक। ठीक है, हार्ड डिस्क के विच या फ्लॉपी ड्राइव के विच स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स सैक्टर्स। एक मैं होर टर्म यूज करांगा सिलेंडर, ट्रैक सैक्टर सिलेंडर। हुण एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन दिस कंटेक्सट, इस कंटेक्सट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तुसी एक चीज देखो, एक आ ट्रैक है बड़ा छोटा जे, जो लास्ट ट्रैक है वो बहुत वड्डे वड्डे है लंबे। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैक और सैक्टर रिमेन सेम। किदा क्वेश्चन आमतौर पर बनता है, कई बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन होता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक एंड सैक्टर रिमेन सेम वेदर इट इज नियर टू द सेंटर और इट इज फार अवे फ्रॉम द सेंटर। मेरी इस गल ध्यान ना देखियो, जो मैं गल क्वेश्चन की गल कर रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रैक एंड सैक्टर रिमेन सेम वेदर इट इज क्लोजर टू द सेंटर, स्पिंडल दे कोल है या स्पिंडल तो दूर है, इन्हां दी स्टोरेज कैपेसिटी सेम रहे। इस क्वेश्चन का आंसर की है, इस क्वेश्चन का आंसर है जेडे ट्रैक जेडे होंदे ना सेंटर दे कोल होंदे, स्पिंडल दे कोल होंदे है, उन्हां दे विच स्टोरेज डेंसिटी ज्यादा होंदी है एज कंपेयर टू दोज ट्रैक्स और सैक्टर्स जेड़े की तुहाडे सेंटर तो दूर होंगे। लाइकवाइज एड जेड़ा तुहाडा सैक्टर बनया है या ए सैक्टर बनया है या ए पर्टिकुलर फर्स्ट ट्रैक है, इस दे विच डेंसिटी ऑफ स्टोरेज विल बी मच मोर, ज्यादा होगी, ज्यादा डेंस स्टोरेज होगी एज कंपेयर टू आ जेड़े पिछले वाले बार वाले ट्रैक या सैक्टर्स। सो डेंसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ द ट्रैक्स एंड सैक्टर्स जेड़े कि सेंटर दे कोल होंदे है वो ज्यादा होंदी है, इस करके स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ऑल ट्रैक्स एंड सैक्टर्स दैट रिमेन्स सेम। एक क्वेश्चन कई बार पेपर च बनता होंदा है, वाई द डेंसिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ ट्रैक एंड सैक्टर्स दैट आर नियर टू द सेंटर रिमेन्स सेम एज कंपेयर टू ट्रैक्स एंड सैक्टर दैट आर फार अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका आंसर सिंपल है, डेंसिटी ऑफ स्टोरेज, डेंसिटी ऑफ स्टोरेज जरा भी ट्रैक है जरा सेंटर दे कोल है जरा स्पिंडल दे कोल है एदे कोल जरा है वो डेंसिटी ऑफ स्टोरेज ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू जेडे तुहाडे ट्रैक और सैक्टर है जेडे कि तुहाडे दूर है। ठीक है, हुण एक तीजी टर्म यूज कर रहा मैं, ट्रैक भी हो गया सैक्टर भी हो गया, सिलेंडर मल्टीपल प्लेटर्स दे विच एक स्टोरेज एरिया नूं जदों असीं कंबाइन करते हैं उस नूं असीं सिलेंडर कहिंदे। लुक एट दिस वन, मैं सिलेंडर होर अगे एक्सप्लेन करांगा, बट इस डायग्राम च थोड़ा जिहा सिलेंडर एक्सप्लेन किया है। दिस इज ए सिलेंडर और मल्टीपल सिलेंडर्स बनाए जाते हैं वाइल द स्टोरेज इन केस ऑफ ए हार्ड डिस्क। सो ए हार्ड डिस्क दी एक बेसिक जी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन दे विच कुछ कॉम्पोनेंट्स है, यह डायग्रामेटिकल है, यह तुहाडी एक्चुअल हार्ड डिस्क है जिदा दिखती है। आ देखो हार्ड डिस्क दे विच प्लेटर्स है, सेंटर च स्पिंडल है, हैड है, यह एक्वेटर आर्म है, किधर जाना है इन्हें। ठीक है, यह एक्वेटर है जिहड़ा इस नूं आर्म नूं कंट्रोल करता है। इस जगह ते SMPS तो लुक एट दिस पॉइंट, इस जगह ते SMPS तो पावर सप्लाई आएगी, हार्ड डिस्क ताई चलेगी जिन्हों पावर सप्लाई दांगे, SMPS तो ए पॉइंट्स दे विच जाके सप्लाई आनी है।
और इस एस जगह ते तुहाडा दिस वन तुहाडी सिस्टम बस जिहड़ी केबल्स लगियां होंदियां जिहड़ी केबल्स तुहाडे मदरबोर्ड टू हार्ड डिस्क आंदियां ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਲੈਟਰ ਹੈ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਹੈਡ ਹੈ ਐਕੁਏਟਰ ਆਰਮ ਹੈ ਐਕੁਏਟਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਐਕੁਏਟਰ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਪਰ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜੰਪਰ ਬਲੌਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਪਰ ਬਲੌਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਹਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹਰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਪਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੰਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੰਪਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ 1-2 'ਤੇ ਜੰਪਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 3-4 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 5-6 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 7-8 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਟੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਫਿਕਸ ਥਿੰਗ ਵੀ ਜੰਪਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕੁਏਟਰ ਆਰਮਸ ਰੀਡੈਡ ਹੈਡਸ ਟੂ ਪਰ ਪਲੈਟਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੈਟਰਸ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿੰਡਲ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਪਿੰਡਲ ਔਰ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਅ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਲੈਟਰ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਡਰਾਈਟ ਆਰਮ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਟਰ ਚਾਰ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਵਨ ਇਜ਼ ਪਲੈਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਰੀਡਰਾਈਟ ਆਰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਔਰ ਫਾਈਲਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਸਟੋਰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੈਟਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਕਾਲਡ ਐਸ ਪਲੈਟਰ Platters are made out of aluminium, glass, ceramic material, and have a magnetic surface in order to permanently store data. It starts with hi gal kiti si, whether it's a floppy drive or it is a hard disk, a magnetic material di baniya hundi hai, so as to store the data. So material ki ho sakda, aluminium bhi ho sakda. ग्लास भी हो सकता है सिरेमिक भी हो सकता है थर्ड पॉइंट की कह रहे ऑन लार्जर हार्ड ड्राइव्स सेवरल प्लेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ द ड्राइव जितने ज्यादा प्लेटर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी और यह कोई फिक्स नहीं है भी 3 प्लेटर होने 5 होने या 10 होने यह डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे दैट मैन्युफैक्चरर ਕਿੰਨੇ ਪਲੈਟਰਸ ਇਸ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਲਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰੇਗੀ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਔਨ ਪਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਰੈਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਿਲੰਡਰ ਮੈਂ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਰੈਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅਗਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਟਰੈਕ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
टेन तक या ट्वेल्व तक सेक्टर्स बने होंगे, ट्रैक नंबर जीरो सेक्टर नंबर फाइव है, उस पर्टिकुलर सेक्टर का एड्रेस होगा। बगैर एड्रेसिंग तो कुछ नहीं होना, यह नहीं है एक रैंडम स्टोरेज है किसी भी जगह से डाटा स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मेथड होता है दैट तुहाडी फाइल, मैं उन्हें पावर पॉइंट, मैं इस टाइम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तुहानू दे रहे हैं, एवर पावर पॉइंट की फाइल किस ट्रैक किस सेक्टर किस सिलेंडर स्टोर हुई है, दैट इज ऑल स्टोर्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दिस लैंग्वेज। ऑपरेटिंग सिस्टम नु पता है वो किस जगह से स्टोर हुई है। नेक्स्ट टाइम मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्टोरेज जगह तो वो पर्टिकुलर फाइल नु फेच करके मेरे सामने स्क्रीन पे लाएगा। नेक्स्ट है स्पिंडल, जो सेंटर है। द स्पिंडल कीप्स द प्लेटर्स इन पोजीशंस एंड रोटेट देम एज रिक्वायर्ड। द रेवोल्यूशंस पर मिनट रेटिंग्स आरपीएम, आरपीएम स्टैंड फॉर revolutions per minute. Ratings determines how fast data can be written and read from the hard disk. Jinne jyada revolutions per minute hai, unna fast data tuhanu padhya vi ja sakda hai aur likhya vi ja sakda hai. A typical internal hard disk drive runs at 7200 RPM. Main fir gal kar rahi hai, floppy drive runs at 300 RPM. Hard disk runs at 7200 kina 24 times faster as compared to a floppy disk. The spindle keeps the platters at fixed distance apart from each other to enable the read write arm to gain the access. Spindle da purpose hunda hai platters ek particular distance se hi rehen, आपस से जुड़ना जान, अगर जुड़ोगे तो शॉर्ट हो। थर्ड वन इज रीड राइट आर्म और रीड राइट हेड। हर प्लेटर दे टॉप दे बॉटम दे एक रीड राइट हेड होता है, ठीक है, और जिन्ने प्लेटर्स हैं उन्हें रीड राइट हेड होने। द रीड राइट आर्म कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड्स विच डू, अगर रीड राइट रीड एंड राइट हेड नहीं है ना तुहाडी फाइल पढ़ी जाएगी ना तुहाडा कोई नवा डाटा लिखा जाएगा। तुसी कोई भी नवी फाइल क्रिएट करते हो, रीड एंड राइट राइट हेड उसनू उस फाइल नू उस हार्ड डिस्क स्टोर करेगा, और जो उस फाइल नू तुसी ओपन कर रहे हो तुहाडा रीड हेड उस फाइल नू लेके आएगा। Which do the actual reading and writing on the disk platter by converting the magnetic surface into an electric current. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਟ ਨੋਰਮਲੀ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ that is being stored in the form of zeros and ones. Zeros and ones da matlab eh hunda hai that agar tuhanu voltage 0.4 ya 0.5 volt tak hai ta onu logic 1 kahange, je 0 volt tak hai then that is being called as logic 0. 0 and 1 are not actual 0 and 1, that are basically logics, logic 0 logic 1. Agar tuhanu voltage 0.5 volt tak hai 0.4 वोल्ट है, that would be treated as logic 1. और अगर तुम्हारी वोल्टेज 0 है या 0.01 है या 0.1 है, then that is being treated as logic 1. The arm makes sure that heads are in the right position based on the data that needs to be assessed or returned. Otherwise, arm the control की है, मैं तो तुम्हें basic simple या तुम्हें फंडा दस रहे हैं. That arms are control hai hai, that read write head proper positions control karna, or read write head actual the reading and writing the function perform karna. There are typically one read write head for every platter side, or kis size na honda hai, or a top and down platters nu
ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਕੁਏਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹੈਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ। ਹੈਡ ਨੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਇਕੁਏਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਮਾਲ ਮੋਟਰ ਦੈਟ ਟੇਕਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਰਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿੰਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੇ ਉਸਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਸ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਵਿਚ ਟੇਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਐਂਡ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਡਾਟਾ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਪਲੈਟਰਸ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਏਟਰ ਨੂੰ। ਇਕੁਏਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਸ ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਕੁਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਟਰੈਕ ਔਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਏ ਨਿਊ ਫਾਈਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰਿੰਗ ਦ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡਸ ਆਰ ਇਨ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਦ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸਿਸ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਦੈਟ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟਰਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟਰੈਕਸ, ਸੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਸਿਲੰਡਰ। ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਔਨ ਦ ਟਰੈਕ ਆਫ ਅ ਪਲੈਟਰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕਸ। Tracks are concentric circles, circles with a common center. ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਟਰੈਕ ਇਜ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਯੈਲੋ, ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਇਜ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਬਲੂ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੰਟੇਨਸ ਏ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਇਟ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ 512 ਬਾਈਟ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ 512 ਬਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, what are the components of a hard disk, track ki hai, sector ki hai, aur data kis way nal organize hunda hai ya store hunda hai, aur kis way na se data fetch karde hain from tracks and sector. With this I conclude my lecture. Thank you.